स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं ये जो डॉट है ए, इसकी पोजीशन आप बता सकते हैं क्या? फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा है तो वो क्या बोलेगा? सर ये क्या है? बिल्कुल राइट में है मेरे। और कोई अगर राइट में बैठा हुआ है तो वो क्या बोलेगा? सर ये बिल्कुल मेरे लेफ्ट में है। कोई बोलेगा अगर ऊपर से देखेगा तो कोई बोलेगा सर ये डाउन में। कोई नीचे से देखेगा तो बोलेगा सर ये अपसाइड में। कोई लेफ्ट कोई राइट, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन कोई बता पा रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब इस बोर्ड पे जो ए पॉइंट है, हर एक स्टूडेंट के लिए इसकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है। क्या सबके लिए एक पोजीशन? नहीं। तो ऐसे सच प्रॉब्लम्स में क्या हुआ, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे इसकी एग्जैक्ट हम पोजीशन पता कर सकते हैं। उसके लिए हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आइए स्टूडेंट, इसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेने डिस्कैरेट्स। रेने डिस्कैरेट्स, जो 1956 में जिनका जन्म हुआ। एक बार क्या था कि ये बिस्तर पर लेटे हुए थे और छत को देख रहे थे। तो छत में क्या था, एक छोटी सी चींटी ट्रेवल कर रही थी, एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। तो उसी समय उनके मन में एक इंटरेस्टिंग आइडिया आया कि इस चींटी की पोजिशन क्या होगी। तो उन्होंने, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो भी कंफ्यूज थे कि इस चींटी की पोजीशन हर एक के बंदे के हिसाब से अलग अलग, रेफरेंस के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना, जैसे एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला आइडिया उससे पहले डेवलप था कि कैसे नाविक एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जहाज एक जगह से दूसरे देश में जाते थे, दूसरी जगह जाते थे, तो वो लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का क्या करते थे, यूज करते थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम पूरे मैथ्स के अंदर कि ऐसा कोई सिस्टम डेवलप कर सकें जिसके अंदर हम उसकी पोजीशन क्या कर सकें, पता कर सकें। तो एक प्लेन के अंदर, जैसे उस रूफ में उस चींटी की एक्जेक्ट पोजीशन क्या है, तो उन्होंने क्या डेवलप किया, उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम है कार्टेशियन सिस्टम, जिसके बारे में आपने लोअर क्लासेस से भी पढ़ा हुआ है। अगर याद हो तो आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा। ऐसे हम नंबर लाइन करते थे, बीच में 0, फिर 1, 2, 3 4, ऑन राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स, ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी पुट नेगेटिव नंबर्स। अगर आपको याद हो, दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन। हम क्या कहते थे इसको, नंबर लाइन कहते थे। सो यहाँ पे हम क्या, कोई भी नंबर हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते थे या रिप्रेजेंट कर सकते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछता कोई 4 का है तो दिस इज 4, कोई आपसे पूछा -2 दिस इज। सो रेने डिस्कैरेट्स ने क्या किया, ऐसे ही दो नंबर लाइंस ले ली। क्या ली, पहली नंबर लाइन ये है, फॉर एग्जांपल एक नंबर लाइन उन्होंने ले ली ये, जिसको उन्होंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन बोला, दिस वन, इसको बोला उन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक, जैसे यहां पे सिर्फ एक और ले ली, जिसको उन्होंने क्या बोला, ऐसी लाइन ली जिसको उन्होंने वर्टिकली, और बोला कि दोनों लाइंस क्या करेंगे, एक दूसरे को कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, इसको बोला उन्होंने वर्टिकल लाइन। एक और नाम उन्होंने दे, इसको बोला एक्स, एक्स डैश, इसको बोला वाई, वाई डैश। स्टूडेंट, इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। जहां पे दोनों मीट करेंगे उस पॉइंट को क्या बोल दिया गया, ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन। जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन मीट करेंगे उसको क्या बोला गया, ओरिजिन बोल दिया गया। आगे, अब सबसे पहले एक्स एक्सिस की बात करते हैं। एक्स एक्सिस में हमने बताया जो लेफ्ट हैंड साइड पे थे वहां पे कैसे नंबर, पॉजिटिव नंबर्स 5, 6, और राइट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स, सॉरी लेफ्ट राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव। उसी प्रकार वाई एक्सिस पे जो वर्टिकल है, अब की ओर को क्या ले लिए गए, पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड डाउन की ओर को नेगेटिव -2, -3, -4, -5, -6। सो इस प्रकार से क्या किया, रेने डिस्कैरेट ने पूरे प्लेन को, मतलब फॉर एग्जांपल पूरे बोर्ड को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 4 पार्ट में। तो मैथ्स के अंदर पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, पूरे पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। उसी प्रकार रूफ को भी कितने पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। सो जो ये पार्ट है, फर्स्ट, इसको बोलेंगे फर्स्ट पार्ट, सेकंड
दिस इज कॉल्ड थर्ड एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ, सीक्वेंस में चले गए ऐसे। सो इन पार्ट्स को कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। सो वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन मेक फोर क्वाड्रेंट, एंड वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन मीट द पॉइंट नोन एज ओरिजन, उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजन। ये शॉर्ट शॉर्ट में कभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सेम वही पोजिशन वही प्रॉब्लम कर लेते हैं। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। दिस जो मैंने आपको पोजिशन बोला था पॉइंट ए, अब बताइए इसकी पोजिशन क्या है। तो रेनी डिस्क्रेट ने क्या बोला कि सबसे पहले पता करो कि ये जो पॉइंट है इसे कहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे, और वाई एक्सिस से कहाँ पे मीट कर रहा है, वहां पे। तो दोनों एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर। तब सबसे पहले आप पोजिशन कैसे पता करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे कहाँ पे मीट कर रहा है वो, फोर पे। तो सबसे पहले लिखते हैं फोर, एंड वाई एक्सिस पे कहाँ पे मीट कर रहा है, थ्री। सो दिस इज कॉल्ड द पोजिशन ऑफ दिस पॉइंट ए फोर कॉमा थ्री। अब ये जो पोजिशन है ये सब के लिए क्या है, एक जैसी है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। तो पोजिशन क्या रही, ए की फोर कॉमा थ्री। वापिस से देखिए कैसे पता करते हैं, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। सो सबसे पहले कौन सा, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे मीट कर रही वो लिखते हैं, देन वाई एक्सिस पे कहाँ पे मीट कर रही वो लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड, सो दिस होल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ए के ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, इसलिए इसको कौन सा सिस्टम कहा गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा गया। ये कोऑर्डिनेट्स हैं मतलब कि कौन सी पोजिशन है उस पॉइंट की। तो 4.3 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस। और आगे डिटेल में इसको देते हैं, एक और देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल दिस, दिस इज बी पॉइंट। तो बताइए बी की पोजिशन क्या है, देखिए ड्रॉ करते हैं एक लाइन एंड एक और हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। बताइए एक्स एक्सिस पे कहाँ पे मीट कर रहा है, माइनस टू, एंड वाई एक्सिस पे कहाँ पे मीट कर रहा है, फोर। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट इज माइनस टू कॉमा फोर। दिस एक और देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, वही सेम ड्रॉ कीजिए एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए। बताइए पोजिशन सी का क्या रहेगा। सबसे पहले एक्स, एक्स देखिए कहाँ पे मीट कर रहा है, वन, और वाई एक्सिस में कहाँ पे मीट कर रहा है। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, वन कॉमा माइनस टू। तो याद रखने वाली बात क्या है, सबसे पहले कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स, एक्स एक्सिस में कहाँ पे मीट कर रहा है, फिर क्या आएगा, वाई एक्सिस पे। सो इस सिस्टम को क्या नाम दिया गया, इस सिस्टम को बोला गया कार्टेशियन सिस्टम। कौन सा सिस्टम बोला गया, कार्टेशियन सिस्टम। सो आइए स्टूडेंट आपको एक और कार्टेशियन प्लेन मैंने बना के दिया है। अब इसमें कुछ और चीज पर हम पता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मैंने बोला कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, एम के कोऑर्डिनेट्स आप पता कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम क्या होंगे, क्या करेंगे, वही जो मैंने आपको बताया अभी, क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लोअर क्लास में पढ़ा तो आप डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं। सो एक्स एक्सिस से कितना दूर, किस पॉइंट पे, थ्री पे मीट कर रहा है, एंड वाई से फाइव। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, थ्री कॉमा फाइव, दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। अब स्टूडेंट इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें जो थ्री है जो पहला है उसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, या कौन नाम है, ए बी एस सी आई एस एस ए, एब्सिसा। क्या कहा जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। सो कभी आपसे पूछा जाएगा कि कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द, व्हाट इज द एब्सिसा, तो एक्स कोऑर्डिनेट को ही क्या कहा जाता है, एब्सिसा। एंड जो वाई है, जो फाइव है, उसको कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट, या इसका एक और नाम है ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है उसको सिंपल भाषा में, ऑर्डिनेट। सो स्टूडेंट फाइव इज कॉल्ड ऑर्डिनेट एंड थ्री इज कॉल्ड एब्सिसा, और पूरे को मिला के क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आपसे एक और चीज पूछूं मैं, फॉर एग्जांपल दिस, दिस इज एन, व्हाट, अब मैं जो पूछ रहा हूं ध्यान से, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस एन, कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो देखिए एन फोर कॉमा माइनस टू, दिस इज कोऑर्डिनेट। इसमें मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ऑर्डिनेट, ओनली ऑर्डिनेट मैं आपसे पूछूं, तो ऑर्डिनेट क्या होगा बताइए, ऑर्डिनेट इज वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, यस माइनस टू, माइनस टू इज ऑर्डिनेट। और अगर मैं आपसे पूछूं एब्सिसा क्या है, एब्सिसा इज
यस, सो एक्स 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 कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहा जाता है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और चीज बताइए, फॉर एग्जाम्पल 3.5 आपसे पूछा जाए विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में है ये, तो बताइए कौन से क्वाड्रेंट में है? ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ध्यान से और देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी नंबर्स होंगे, देखिए एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव। बताइए सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? देखिए एक्स नेगेटिव, तो पहला वाला नेगेटिव, दूसरा वाला पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव है। थर्ड में बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, देखिए दोनों नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? पहले एक्स आता है, एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। ये साइन से आप दो मिनट में पता कर सकते हैं कि कौन सा किस क्वाड्रेंट पे आता है। बट स्टूडेंट एक स्पेशल क्वेश्चन देखिए, मैं आपसे पूछूं दिस, इस पॉइंट की पोजिशन बताइए, इसका नाम मैं दे देता हूँ एस फॉर एग्जाम्पल। बताइए सबसे पहले देखिए एक्स, एक्स एक्सिस में कहाँ पे मीट कर रहा है? माइनस टू पे। पर वाई पे है, यहाँ पे कहीं y पे तो है नहीं, तो y क्या हो जाएगा? जीरो। अब बताइए ये कहां पे लाई कर रहा है? s माइनस टू कॉमा जीरो कहां पे लाई करेगा? ये कभी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, ये क्या बोलेंगे इसमें? लाई ऑन x एक्सिस, कौन सी एक्सिस पे लाई करेगा? x एक्सिस पे लाई कर रहा है। देखिए उसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दिस। बताइए इसका फॉर एग्जाम्पल r, इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। बताइए सबसे पहले x, x है क्या यहाँ पे? x है ही नहीं, तो x क्या होगा? जीरो। और y 4, यस r 0.4, तो कहां पे लाई करेगा? लाई ऑन y एक्सिस। तब ये इसे क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करते, तब हम बोलेंगे x एक्सिस पे लाई कर रहा है या y एक्सिस पे लाई कर रहा है। सो आइए स्टूडेंट, जो हमने अभी तक पढ़ा उसका यूज कर लेते हैं, उससे आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। एक कार्टेशियन प्लेन आपको दे रखा है, बहुत सारे आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको नीचे दूंगा, जो मैं बता चुका हूं आपको सिर्फ वन वर्ड में उनका आंसर देना। इस पूरे कार्टेशियन सिस्टम को देखते हुए आपको बताना, सबसे पहले क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ऑफ बी, ढूंढिए बी कहां पे, ये रहा बी का कोऑर्डिनेट। देखिए एरो बना रखा है सबसे पहले एक्स पे, फिर वाई पे, तो कितना आएगा? यस -5.2, देखिए -5.2 आंसर करता। सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ये रहा देखिए पहले x से 5 और y से -5, तो आंसर 5-5 कंप्लीट। मेन पॉइंट -3 -5, -3 कौन सा? x का देखिए -3 कहां पे, ये रहा -3, और y का -5 ये रहा, कहां पे मिल रहे दोनों पॉइंट? तो उस पॉइंट का नाम क्या होगा? e, e इज द आंसर। देखिए उनके आगे आगे मैं आंसर लिखते जा। नेक्स्ट नेम द पॉइंट 2-4, दिस इज 2 and y axis का -4, ये रहा। What is the name of the point? Yes, G. अगला abscissa of D, पहले D देखते हैं, ये रहा D. D का abscissa, abscissa मतलब सिर्फ x, तो कितना x? 6, yes, abscissa of D is 6. Next, ordinate of h, अब ordinate क्या होता है? y वाला, y coordinate. Ordinate of h, देखिए h का है, ये रहा, इसको y, x नहीं चाहिए हमको, y चाहिए, y कितना? -3. नेक्स्ट अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल, एल के कोऑर्डिनेट ये रहा। बताइए मैंने क्या बताया, जब वाई एक्सिस की बात आएगी वाई डैश की, तो एक्स यहाँ पे क्या होता है? जीरो, और वाई है जो, कितना लिखेंगे? 0.5, ये रहा कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट ऑफ एम, एम के कोऑर्डिनेट देखिए, पहले एक्स आ रहा है, एक्स कितना है? -3, और वाई है नहीं तो 0. सो दीज आर द आंसर। तो आपको कार्टेशियन प्लेन देखते हुए ऐसे वन वन वर्ड के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना आ गया होगा। सो स्टूडेंट इसके बाद एक और एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.3, उसमें भी आपको सिर्फ कार्टेशियन प्लेन बना के पॉइंट्स को प्लॉट करना है और बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट पे। वो क्वेश्चन मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसका लिंक, तो आप उसको सॉल्व कीजिए। सो स्टूडेंट इस ईयर 9th क्लास में आपको इतना सही करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आता है, पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं, और कैसे उनके कोऑर्डिनेट्स या उनके एब्सिसा या ऑर्डिनेट्स आप फाइंड आउट करते हैं। इतना सही हमको 9th क्लास में पढ़ना है। इसका हायर वर्जन हम अगली क्लासेज में पढ़ेंगे, 10th 11th 12th में, और भी बहुत सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट वीडियोज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।